हेलो, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स लाइफ होम इन किचन। तो आज मैं बना रही हूँ मशरूम पनीर का फ्राइड राइस। तो चलो बनाते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया, उसमें जीरा डाला है। तो ये मैंने सारे वेजिटेबल्स कट कर दिए, प्याज टमाटर और मशरूम। तो प्याज को हल्का फ्राई करके थोड़ा हल्का लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करा है। फिर उसके बाद उसमें, और इधर मैंने एक कुकर पे वो रख दिया है चावल। तो ये चावल भी पक गए हैं मेरे। मैंने इनमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है और एक सीटी और थोड़ा देर और रखा है। तो चावल हो गए तैयार और इधर लाइट ब्राउन हो गए मेरे प्याज। तो अब मैं डालूँगी ये खड़े मसाले, थोड़े से डाले हैं मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जो भी आपको खड़े मसाले डालने हैं। और टमाटर को भी अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। नमक डाला है और धनिया पाउडर और हल्दी, और मिर्ची में डालती नहीं हूँ, पहले लास्ट में ग्रीन चिली ऐड करती हूँ। और इधर मेरे राइस भी तैयार हैं। ये मसाला भी तैयार हो गया। इसमें मैं ऐड कर दूंगी मशरूम, और मशरूम को हल्के से घुमा के 2-3 मिनट तक ऐसे ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी। और फिर मैं अभी पनीर कट कर रही हूँ, पनीर में लास्ट में ऐड करूंगी। अभी मैंने पनीर ऐड नहीं किया है, मशरूम को ऐड मिक्स करके अच्छे से और थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ। 2-3 मिनट बाद मैंने मशरूम को पकने दिया और उसके बाद मैंने पनीर जो कट किया था वो ऐड कर दिया। और अभी आप देख सकते हैं मशरूम अच्छे से, मसाला भी उसमें घुस गया है और अच्छे से सॉफ्ट हो गया है मशरूम। और पनीर तो वैसे भी ऐसे ही अच्छा लगता है कच्चा कच्चा, तो पनीर तो मैंने हल्के से 1-2 मिनट ही चलने दिया, उसके बाद मैंने ऐड कर दिया। ये जो मैंने राइस बनाए थे वो ऐड कर दिया इसमें, अच्छे से मिक्स करा। और इसमें ध्यान रखिएगा राइस गीली नहीं होनी चाहिए और अच्छे से ज़्यादा ओवर कुक्ड भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा वैसे होनी चाहिए राइस, थोड़ा जो अलग अलग हो जाए। थोड़ा सा पानी कम डालना जब राइस बनाएंगे। और ये मैंने अच्छे से मिक्स करा है। और देखना कितने अच्छे से बना है, एक एक राइस बिल्कुल अलग, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला फ्राइड राइस बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही इजी रेसिपी है। और अगर आपको कुछ और वेजिटेबल्स ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं, कैप्सिकम गाजर तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मुझे तो मशरूम और पनीर से ही बनाना था तो मैंने वो ऐड किया, इतना अच्छा बना है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का, और ये बहुत टेस्टी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।